करते हैं, वेकेशन से पहले हमने चैप्टर की रीडिंग की थी और कुछ एक्सरसाइज की थी। मेरे खिलौने प्यारे खिलौने, यस मैम, पढ़ा था ना आप? यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम। आज हम इसके सवाल जवाब करेंगे सफर नंबर 60 पर। सफर नंबर 65, सफर नंबर 60, सफर नंबर 60 पर हम इस क्वेश्चन आंसर करेंगे। सब पेज ओपन करें। मैम मैं कब का निकाल भी ये पेज? ओके, 10 पेजेस पर है। मैम मैंने निकाल लिया। इसके सवाल जवाब की वर्कशीट आपको व्हाट्सएप हो जाएगी। मैम नोटबुक को ये आपको शेयर हो जाएगी। और ये गलती की 2021 लगा जा रही है। मेरी मिस्टेक की मैम, आपने मिस्टेक की है। आपने मिस्टेक की भी है तो Use your mics, please. Ma'am? Ma'am, cut here. Okay, so students, mics off for me. Yeah, maybe go to the Ab hum start karte hain इस लेसन के सवाल जवाब। सबसे पहले है सवाल, खिलौनों की दुकान में जाकर फातिमा का दिल क्या चाह रहा था? इसका जवाब है, खिलौनों की दुकान में जाकर फातिमा का दिल चाह रहा था कि सारी गुड़ियां खरीद ले। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस मैम, सवाल नंबर दो है, दादी जान के डिब्बे में क्या क्या था? उन्हें किसने बनाया था? इसका जवाब है, दादी जान के डिब्बे में कपड़े की गुड़िया, कागज की परी, कपड़े का झुनझुना और एक तरफ की से अपने माइक्स ऑफ करें प्लीज। म्यूट योर माइक्स। माइक्स ऑफ करें सब। मोहम्मद अबू बकर, वो माइक ऑफ करें। I'm done. अमरीन आप भी माइक ऑफ करें। आरिज आप भी ऑफ करें अपना माइक। सवाल नंबर दो का जवाब है, दादी जान के डिब्बे में कपड़े की गुड़िया, कागज की परी। आरिज अपना माइक ऑफ करें प्लीज।
आपकी वजह से सब डिस्टर्ब हो रहे हैं। कपड़े का झुनझुना, दादी जान के डिब्बे में कपड़े की गुड़िया, कागज की परी, कपड़े का झुनझुना, झुनझुना किसको कहते हैं, कपड़े के खिलौने को, और एक तरफ माचिस की डिब्बियों से बनी ट्रेन रखी थी। इन्हें दादी जान की अम्मी ने बनाया था। इन्हें किसने बनाया था, क्वेश्चन है कि इन्हें किसने बनाया था। इसका आंसर है इन्हें दादी जान की अम्मी ने बनाया था। उसके बाद है सवाल नंबर 3, बच्चों ने खिलौनों से कब खेलना शुरू किया, जब दादी जान ने समझाया तो दोनों सर हिलाते अपने खिलौने लेकर लाउंज में चले गए, जहां से गुड़िया के बोलने और गाड़ी के चलने की आवाजें आने लगी। उसके बाद सवाल नंबर 4 है, पहले जमाने में खिलौने किन चीजों से बनते थे। इसका जवाब है, पहले जमाने में खिलौने पत्थर, लकड़ी और घास फूस से बनाए जाते थे। सवाल नंबर 5 है, अब खिलौने किन चीजों से बनते हैं। इसका जवाब है, जैसे जैसे तरक्की होती गई खिलौने कपड़े, प्लास्टिक और कुछ और चीजों से बनने लगे। सवाल नंबर 6 है, आपको कैसे खिलौने पसंद हैं? क्या आप कोई खिलौना खुद बना लेते हैं? तो इसका आंसर आपने खुद लिखना है कि आपको किस तरह के खिलौने पसंद हैं और क्या आप कोई खिलौना बना लेते हैं या नहीं। आपने इसका आंसर हाँ या ना में लिखना है। और अगर आपको कोई खिलौना पसंद है तो उसके बारे में आपने यहाँ पर लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने सवाल जवाब किए। ये आपसे स्क्रीन शेयर हो जाएगी, आपने अपनी नोटबुक पर बहुत अच्छे से साफ सुथरा ये सारा काम लिखना है। सबको क्लियर हो गया? यस मैम, गॉट इट। यस मैम, गॉट इट। विद इन 2 मिनट्स आप अपनी अटेंडेंस मार्क करें, सब अपनी अटेंडेंस भेजें और अपनी क्लास किया था, आप अपना सेक्शन लाजमी मेंशन करना है। वो आपने SST का किया था, उर्दू की क्लास किस किस अटेंड की है, आपने अपना सेक्शन नेम मेंशन करना है और अपना नेम मेंशन करना है। ओके मैम, कर लिया। Good.
रूम क्लाउड. सबने कर लिए? नो मैम. रूम क्लाउड. मैम लिख लिया मैंने अपना. अच्छा आप सबको ये लेसन समझ आया था मेरे खिलौने प्यारे खिलौने? यस मैम. हम स्टार्ट खाली जगह की थी, उसके बाद इसके अल्फाज मायने, अल्फाज जुमले, और आज हम इसके सवाल जवाब कर रहे हैं. देखो आसिफ के लिए मुफ्त और मुंह खोल दिया है. और उमर देखो आपके पास कितने गेम्स हैं? आईपैड वाले कौन क्या कर रहे हैं आपके पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 सबको क्लियर हो गया? अटेंडेंस मार्क कर लिए? यार चेक ही कर दूंगा ये और कुछ, ये और कुछ मैं डिलीट कर दूंगा. उमर बात सुनो, मैं बताऊं मेरे पास कितने? नो टॉकिंग प्लीज. आप ही कैसे शेयर सब सुन रहे हैं? हो रहा है. और इतनी जल्दी Zoom ही डाउनलोड हो गई वो स्पैटर बकर. हम क्लास खत्म हो गई है. ऑफिस में बाय मैम. लॉफिस हेलो मैम. बाय मैम. अबू बकर बाय. लॉफिस मैम. कल आपको मिलूंगा. ठीक है बकर, कल क्लास भी तो करोगे? ओह मैं तो रोज लेता हूँ. स्टूडेंट्स अभी आपकी क्लास खत्म नहीं है, हमें नेक्स्ट लेसन की रीडिंग करनी है नज़म हमदर्दी की. मैं उसकी स्क्रीन आपसे अभी विद इन 2 मिनट्स भेजवा रही हूँ. ठीक है? ओके मैम. पेज नंबर बताएं. करनी है नज़म हमदर्दी की, हम उसकी पढ़ाई करेंगे. ठीक है? आपने नोटबुक पर सिर्फ इन्हीं सवाल जवाब का करना है. ओके मैम. नज़म की मैम पेज नंबर बताओ. पेज नंबर मैम. पेज नंबर 104. खदीजा पागल हुई भी है. 40 पेज. तो पेज नंबर 104 है हमदर्दी. 10 yeah hamdardi sab pagal hai ye jo sir positivity point par hai. Pata nahi pagal hai kha dekh rahi hai kya aate hai positivity ke kya aate hai par idhar do main choti jiski reading hai aur lesson kara rahi hai. हेलो मुरीद. हेलो हेलो. हाँ रिस. हाँ कैसे हो? चलो क्लास के एंड में बात करेंगे. हेलो हेलो रिस. हेलो हेलो. हाँ यस दीदी बेटा क्लास के एंड में. बकर लैपटॉप पे क्लास ले रहे हो? हाँ. पेज नंबर कौन सा है? लैपटॉप में 104. मैम पेज नंबर कौन सा है? 104. 104.
मैम पेज नंबर कौन सा है? 104 104 हाँ नंबर सही हाँ रिस चलो क्लास के एंड में बात करेंगे ठीक है ओके दर्दी हाँ टहनी पे किसी जगह की टहनी पे किसी शजर की तन्हा बुलबुल था एक उदास बैठा सर पे आई उड़ने चुगने में दिन गुजारा मैंने दिन गुजारा मैं पढ़ूं पहुंचो किस तरह अशिया मैं पढ़ूं नहीं मैं पढ़ती अच्छा सबसे पहले तो हम इसको एक मैं आपको कहानी की सूरत में सुनाती हूँ नज़म को शुरू करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ ठीक है स्टूडेंट्स सबने अपना माइक ऑफ रखना है ऑफ है ना माइक आपने एक कहानी सुननी है एक जंगल में एक बुलबुल बहुत उदास बैठा था एक दरख्त पर एक दफा का जिक्र है कि एक जंगल में एक बुलबुल बहुत उदास बैठा था रात हो गई थी सारा दिन उसने उड़ने में और चुगने में गुजार दिया था और वो बहुत परेशान हो गया था कि अब तो रात हो गई है इतनी अंधेरी रात है तो मैं घर कैसे जाऊंगा और वो बुलबुल रोने लगा और इतने में उसके पास से एक जुगनू गुजरा और उसने जब उसको रोते हुए देखा तो बुलबुल से पूछा कि तुम क्यों परेशान बैठे हो तुम्हें क्या हुआ है तो बुलबुल ने कहा कि मैं इसलिए परेशान हूँ कि अंधेरी रात हो गई है और मैंने घर जाना है तो मुझे बहुत डर लग रहा है तो जुगनू ने कहा कि हूँ तो मैं छोटा सा कीड़ा लेकिन अल्लाह ने मुझे रोशनी अता की है चिराग दिया है तो मैं तुम्हारे आगे आगे चलता हूँ और तुम मेरे पीछे पीछे आना और मेरी रोशनी के साए में तुमने मेरे पीछे आना है तो जुगनू ने उसकी मदद की ठीक है स्टूडेंट्स तो इस कहानी में हमने ये सीखा कि वो लोग जो इस दुनिया में बहुत अच्छे होते हैं जो दूसरों के काम आते हैं ठीक है स्टूडेंट्स अब हम मैंने इस नज़म को आपको एक कहानी की सूरत में बयान किया अब हम इस नज़म की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं नज़म हमदर्दी सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किसने लिखी है नज़म हमदर्दी इलामा इकबाल ने लिखी है इस नज़म के शायर का नाम इलामा इकबाल है ओके स्टूडेंट सबको आवाज आ रही है ना मेरी यस मैम अब हम स्टार्ट करते हैं और जो मुश्किल वर्ड्स होंगे उनको आपने अंडरलाइन करना है टहनी पे किसी शजर की तन्हा शजर को आपने अंडरलाइन करना है और तन्हा को भी आपने अंडरलाइन करना है उनको तो कोई उदास बैठा यानी किसी दरख्त की टहनी पर एक बुलबुल बहुत उदास बैठा था कहता था कि रात सर पे आई लफ्ज को आपने वर्ड को अंडरलाइन करना है उड़ने चुगने में दिन गुजारा अंधेरी रात आ गई है और सारा दिन उड़ने चुगने में गुजार दिया पहुंचू किस तरह आशियां तक आशियां वर्ड को आपने अंडरलाइन करना है आशियां कहते हैं घोंसला घर को हर चीज पे छा गया अंधेरा यानी हर चीज पे अंधेरा छा गया है रात हो गई थी इसलिए हर तरफ अंधेरा हो गया था सुनकर बुलबुल की आहुजारी को आपने अंडरलाइन करना है इस लफ्ज का मतलब है रोना धोना आहुजारी का मतलब है रोना धोना सुनकर बुलबुल की आहुजारी
जुगनू कोई पास ही से बोला, हाजिर हूँ मदद को जान और दिल से, कीड़ा हूँ अगरचे मैं जरा सा, क्या गम है रात है अंधेरी, मैं राह में रोशनी करूंगा। मतलब जुगनू ने तो कहा कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए, अगर रात अंधेरी है तो मैं रास्ते में रोशनी करूंगा और तुम मेरी रोशनी के पीछे पीछे आते जाना। अल्लाह ने मैम ये 3 क्लास हो रही है जी, मैम ये 3 क्लास हो रही है, 3 क्लास हो रही है बेटा। यस ठीक, अल्लाह ने दी है मुझको मिशल, चमका के मुझे दिया बनाया, आपने अंडरलाइन करना है और चमका के मुझे दिया बनाया, दिया को भी अंडरलाइन करना है। हैं लोग वही जहां में अच्छे, को आपने अंडरलाइन करना है, आते हैं जो काम दूसरों के। तो इस कदम से हमने क्या सीखा कि वही लोग इस दुनिया में अच्छे हैं जो दूसरों के काम आते हैं। अच्छे स्टूडेंट्स, मैम ये 3 क्लास हो रही है जी बेटा, ठीक क्लास हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर नेक्स्ट लेसन में आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज़ मैम।